हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ फेस्टिवल की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट और लोगों की पसंदीदा खीर, जो कि है कद्दू की खीर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान सी, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक। इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा ले लिया है कद्दू को। इसको आपने छोटा छोटा पीस कुछ इस तरीके से काट लेना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको हमें कैसे खीर बनाने के लिए बनाना है। इसको मैं इस तरह से छील लूँगी। इसका छिलका आपको निकाल लेना है, छिलका नहीं लगा रहना चाहिए, ये मेन चीज़ है। पहली बात, इस तरह के से आपको इसे छील लेना है सारे कद्दू को बिना छिलके के साथ। अब हम इसको करेंगे ग्रेट। कद्दूकस की हेल्प से हमने इसको अच्छे से कर लिया है ग्रेट। आपसे भी फिसल सकता है ये, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट और मुलायम रहता है ये। आराम आराम से आपने करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। हल्का से ये सॉफ्ट रहता है तो फिसलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सारे कद्दू को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। बस हमारे इंग्रेडिएंट एकदम प्रिपेयर हो गया है खीर को बनाने के लिए। अब चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी चम्मच डाला है हुआ है देसी घी। उसमें ये डाल दूंगी घिसे हुए कद्दू। कोई भी खीर आप बनाओ, उसकी एक खास बात ये होती है कि आप उसे जितना अच्छे से भूंजोगे स्टार्टिंग में, वो मतलब घी के साथ, वो उतना ही ज़्यादा सौंधी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो इसी तरह हम इसे भी बहुत ही अच्छे से घी में अच्छे से भून लेंगे। इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। तो मैंने उसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में इस तरह से रख दिया था। उस कुछ देर के बाद ये अच्छे से हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। अब देख सकते हो इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है। हल्की सी इसकी क्वांटिटी भी छोटी हो जाती, कम हो जाती है सूखने के बाद। तो 10 मिनट मैंने पहले इसे सूखा पकाया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। बहुत ज़्यादा आपको पानी ऐड नहीं करना है, बस 2 से 4 चम्मच। पानी डालने के बाद आपने इसे हल्का सा चला के इसे फिर से 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम में डाल देना है। बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है। आप इसे स्टीम में डाल दीजिए, आराम से ये धीरे धीरे पकती रहती है। आप थोड़ी थोड़ी देर में आके चेक करते रहिए कि आपकी खीर की क्या पोजीशन है। तो ये पानी में रहने से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, एकदम हल्की हल्की सौंधी हो गई है। इसे हम अब हाई फ्लेम में अच्छे से भून लेते हैं लगभग 2 मिनट के लिए। इसका जो एक्सेस पानी है ना वो उड़ जाएगा। तो अब हम इसे लो फ्लेम में फिर से 10 मिनट के लिए डाल देंगे। तो इसके बाद हमारा कद्दू हो गया एकदम प्रिपेयर, मतलब कि पम्पकिन खीर बनाने के लिए एकदम पक चुका है। एकदम अच्छे से हमें इसने पूंछ लिया है। इस तरह से आप थोड़ा सा इसे चला लीजिएगा। हाई फ्लेम में आप मत पकाइएगा, नहीं तो वो आधा कच्चा आधा पक्का रह जाता है। तो जैसे कि हमारा कद्दू एकदम अच्छे से पक चुका है, बन चुका है, अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा ग्लास दूध। यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास दूध डाला है, अभी मैंने सिर्फ 1 ग्लास ही डाला है। जब और पक जाएगी खीर उसके बाद हम इसे बाद में डालेंगे। तो इसे अच्छे से हम दूध में एक बार दो बार खौला लेते हैं। इस तरह से हल्का हल्का आप चला लीजिएगा। स्टीम में 5 मिनट के लिए आप इसे डाल दो तो एकदम परफेक्ट बन जाएगा। देख सकते हो एकदम उसका दूध सूख गया था, तो मैंने इसमें दूध डाल दिया और थोड़ा सा फूड कलर येलो वाला डाल दिया। अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, थोड़ी सी इलायची। अब देख सकते हो उसके बाद ये बहुत ही अच्छे इसका कलर चेंज हो गया है। हमारी खीर ऑलमोस्ट पक गई है। हमने इसमें डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है। 2 चम्मच चीनी, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हैं। तो ये हमारी बन के तैयार हो गई कद्दू की एकदम लाजवाब सी खीर। बाय बाय।